माफियाओं को आबकारी विभाग संरक्षण देता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये आरोप जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता के ऊपर लगाए हैं। आबकारी विभाग के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पर उतर आई है। 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। उमरिया में आबकारी विभाग के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पर उतर आई है। युवा मोर्चा ने जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता के ऊपर शराब माफियाओं के संरक्षण के गंभीर आरोप लगाए हैं। 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली। जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता के खिलाफ एक ज्ञापन उमरिया कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी को सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में अवैध शराब की पैकारी इन्हीं के संरक्षण में हो रही है, जिसके कारण युवा नशे की जद में आ रहे हैं और नशे में संगीन अपराध करते हैं। अगर 7 दिवस के अंदर शराब की अवैध पकारी बंद नहीं होती है और जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, जिस तरह पूरे जिले में उमरिया नगर में नरोजियाबाद चंदिया पाली गुरुटी अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। चूंकि ये सब बिना किसी बड़े अधिकारी की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। पूर्व में भी हमने कलेक्टर माननीय संजीव श्रीवास्तव जी को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और उनसे मांग की थी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आपसे मांग करता है कि जो अवैध शराब का जो पैकारी हो रही है, जगह जगह बिक रही है, चाहे उमरिया में आप चले जाइए किराना दुकान में, पान ठेले में, हर जगह शराब अवेलेबल होती है, रात को 2 बजे 3 बजे मंदिर के आसपास स्कूल के आसपास, तो पूरा युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। और एक मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते अपना दायित्व उत्तरदायित्व समझते हुए मैंने ये ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है 7 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदेश के मुखिया को भी इस बात से अवगत कराएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।